हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए, सबसे पहले आप इस न्यूज को पढ़ें। इसमें लिखा हुआ कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि घोषित, 5 और 6 मार्च से आपकी जो परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इस बंदे ने थोड़ा बहुत दिमाग में नहीं लगाया कि यदि आपकी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम मार्च में होगा तो अभी तक इसके एडमिट कार्ड लॉन्च क्यों नहीं किए गए। अरे भाई, जब इसका आयोग का गठन ही नहीं हुआ है अभी तक, तो भाई डेट कहाँ जारी कर दी। तो मैं आपको अवेयर करता हूं, मेरी इस वीडियो का बनाने का मतलब यही है कि आप ऐसी न्यूज के पीछे बिल्कुल भी ना भागें और ना ही अपने दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर डालें। यदि आपको जानना है ये चैनल कौन सा है जो ऐसी फ्रॉड न्यूज को प्रोवाइड करा रहा है, देखिए मैं उसका इस चैनल पर नाम नहीं ले सकता, ये एक पॉलिसी है यूट्यूब की। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम मार्च, ऐसा कुछ डाल लेना, ये न्यूज आपको आ जाएगी। भाई साहब, 10 से 15 हजार व्यूज आए हैं इस वीडियो पर। व्यूज का मतलब होता है कि 15 हजार बच्चे आए हैं इस न्यूज पर, और उसको लाइक भी किया गया है, वो कमेंट भी किया गया है और शेयर भी किया गया है। अब सोचो, यदि न्यूज धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचती है, रिकमेंड होती है, तो इससे कितने बच्चे भटकेंगे, आप सोचिए। ऐसी न्यूज हमारे जीवन पर इतना प्रभाव डालती है, खासकर हमारी पढ़ाई पर इतना प्रभाव डालती है, आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो लोग समझदार हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर थोड़ा बहुत विवेक है, मैं उनसे यही कहूँगा कि इस न्यूज़ को कहीं भी शेयर ना करें, किसी के पास ना भेजें, और ना ही इस न्यूज को पढ़ने के बाद अपने दिमाग पर प्रेशर डालें। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और मेहनत करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर ऐसी गलत अफवाहों के पीछे पड़े या इन गलत न्यूज में फंसे, जिससे उसकी पढ़ाई बिगड़े, उसका सपना खत्म हो जाए, उसके माँ बाप का सपना खत्म हो जाए। तो हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाइयों, बिल्कुल भी इन न्यूज पर फोकस ना करें, ध्यान ना दें, ये सब फ्रॉड है, फेक न्यूज है, ये बनाई गई है, कंप्यूटर पे एडिटिंग की गई है। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, परसों भी वीडियो बनाई थी, ऐसी न्यूज को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, अच्छे से पर्दाफाश करता हूँ, ताकि मेरा कोई भी बच्चा, मेरा कोई भी सब्सक्राइबर इन चीज़ों में ना फंसे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।